पेट के लिए भी हम दसियों अभ्यास बताते हैं, लिवोग्रीट जूस, लिवोग्रीट बस्ती, लिवामृत या लिवोग्रीट वाइटल, लिवोग्रीट वाइटल, लिवामृत, फिर सूजन है तो पुनर्वादि मंडूर, पुनर्नवारिष्ट, अभयारिष्ट, कुमारियासव या कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी, जिसकी जैसी समस्या नाभिधरण दिखती है तो पवन मुक्तासन बिना कपाल भाति के, उत्तान पादासन भी बिना कपाल भाति के, ऐसे एक एक मिनट करा देते, नाभि धरण डिग्नी बंद, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक मिनट तक करेंगे ना तब पता लगेगा इससे होता क्या, होता क्या, वो हो जाएगा। मैं कहता हूं योग खुद बोलता है, करना पड़ेगा। लिवामृत जूस, लिवोग्रिट जूस, लिवोग्रिट जूस, लिवोग्रिट वाइटल, फिर खून की भी कमी है तो हीम जूस, फिर उसको मिट्टी पट्टी तो करानी पड़ेगी, वाटर थेरेपी, मड थेरेपी पेट के लिए बहुत जरूरी है, फिर ये आसन बहुत जरूरी है, बिना आसनों के आपका पेट पूरा ठीक नहीं होगा, फिर खान पान में खून भी कम है तो जो हीम जूस बोल रहे थे, हीम बस्ती, एक दिन लिवोग्रिट बस्ती, फिर एक दिन हीम बस्ती, अनार, गाजर, चुकंदर, वीट ग्रास, एलोवेरा, फिर प्लेटलेट कम है तो उसमें पपीते के पत्तों का रस, जोंडिस है तो एरेंड, फिर उसमें भी इंद्रायण की का बीज बड़ा जबरदस्त होता है जोंडिस में, खांड के साथ 2-3 से लेकर 5-20 तक खिला देते और 3 से 7 दिन में जॉन्डिस ठीक हो जाता है, कितना ही ज्यादा हो।